हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन। इससे पहले हमने ट्यूटोरियल में देखा था आपके डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी होती है। ये फोर कंडीशन होती है आपकी नेसेसरी कंडीशन डेडलॉक की, इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिवेंशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। इसे आप कैसे रिजोल्व करेंगे, डेडलॉक प्रिवेंशन कहता है कि इनको आपको रिजोल्व करना है, तो आप रिजोल्व कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन को, एटलीस्ट वन कंडीशन आपकी रिजोल्व हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका डेडलॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा आपके सिस्टम पे। सो पहली कंडीशन हम लोग देते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो प्रॉपर कंडीशन थी डेडलॉक की, वो क्या थी, रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन शेयरेबल होते हैं। नॉन शेयरेबल का मीनिंग है एक टाइम पर दो प्रोसेस एक रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकते हैं। बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन में की कंडीशन अगर प्रिवेंट करनी है, तो ये कहता है कि आप जो रिसोर्स यूज करें वो शेयरेबल रिसोर्स यूज करें, सेरेबल रिसोर्स यूज। जो भी प्रोसेस अगर आप क्रिएट करें या आप प्रोसेसिंग करें, तो उस कंडीशन में रिसोर्सेज जो होने चाहिए वो शेयरेबल रिसोर्स होते हैं चाहिए। इसमें जो मेन एल्गोरिथम हमारी होती है वो होती है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन अगर आपने देखा हो, राउंड रॉबिन में हमारा यूज होता है टाइम स्लाइस, टाइम स्लाइस का, और इसे बोलते हैं टाइम क्वांटम। इस केस में ये बोलता है कि हर एक प्रोसेस जो है इतने इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो, रिसोर्स को शेयर कर ले। अगर आपके पास सिंगल एक ही रिसोर्स है, मान लीजिए आपके पास R1 ही एक रिसोर्स है, बहुत सारे प्रोसेस आपके पास हैं, P1, P2, P3, P4, ये डिफरेंट रिसोर्स प्रोसेस है, एक ही रिसोर्स आपके पास है, सब एक ही रिसोर्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो टाइम कुछ कुछ टाइम के लिए सभी ही प्रोसेस जो है रिसोर्सेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका P1 को एग्जीक्यूट होना है 10 सेकेंड, तो यहां पर आपने टाइम स्लाइस दे दिया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए पहले ये यूज करेगा, फिर ये इसको एलोकेट हो जाएगा 2 सेकेंड के लिए। मतलब ये शेयरेबल रिसोर्स है, इसे आप 2 सेकेंड के लिए शेयर करवा सकते हैं। तो पहली वाली कंडीशन रिजोल्व हो सकती है अगर रिसोर्सेज जो यूज हो वो शेयरेबल रिसोर्स हो जाए। सेकेंड कंडीशन है आपका नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मीनिंग ये कहता है, नो प्रीएम्पशन का मीनिंग ये होता है कि अगर डेडलॉक की कंडीशन में ये कहता है कि नो प्रीएम्पशन में अगर प्रायोरिटी हाई है किसी प्रोसेस की, तो उसे रिसोर्स आप एलोकेट नहीं कराते हैं। बट यहां पर ये कहता है कि जो भी प्रोसेस हो वो प्रिमिटिव होना चाहिए। प्रिमिटिव में प्रायोरिटी बेस्ड होना चाहिए। अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर मैं यहां पर P1, P2 दो प्रोसेस है आपके पास और दो रिसोर्स है R1 एंड R2, R1 एलोकेट है P1 को, R2 एलोकेट है P2 को, ये एलोकेट है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए P2 की प्रायोरिटी हाई है, तो उस कंडीशन में P1 को प्रिमिटिव होना है। प्रिमिटिव मतलब इसको यहां से रिमूव कर देना है, ये फिर से किस में चला जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा। रेडी स्टेट में चला जाएगा मीन्स ये भी आपका यहां से रिमूव हो गया, P1 प्रिमिटिव हो जाएगा। P1 प्रिमिटिव मतलब P1 की प्रायोरिटी लो है, तो ये जो आपका मेन है रनिंग स्टेज है वहां से वो रिमूव हो जाएगा। तो रनिंग स्टेज में केवल आपके पास प्रोसेस P1 है और जो आपका P2 है, P1 जो है वो किस में है आपका, वो अभी रेडी स्टेज में चला गया है, रेडी में चला गया। तो उस कंडीशन दोनों रिसोर्सेस फ्री है, तो ये दोनों रिसोर्सेस को यूज करके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। तो सिंपल नो प्रीएम्पशन में बोलता है अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट आता है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मीनिंग ये है कि अगर किसी प्रोसेस ने रिजोल्व कैसे हो, होल्ड एंड वेट का मीनिंग है कोई प्रोसेस रिसोर्सेस को होल्ड भी कर रहा है, जैसे आपने P1, P2, R1 एंड R2, देखिए P1 को R1 एलोकेटेड है एंड P2 को R2 एलोकेटेड है। कुछ टाइम बाद P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की एंड P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, तो P1 क्या कर रहा है, इसने होल्ड किया है, होल्ड ऑफ R1 एंड रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, रिक्वेस्ट या वेट जो है वो किसका कर रही है, R2 का। तो ये कहता है कि हमें ऐसी कंडीशन फॉलो ही नहीं करनी है कि अगर प्रोसेस होल्ड कर रहा है तो वो वेट नहीं करेगा, अगर वो वेट कर रहा है तो वो होल्ड नहीं करेगा। मीन्स इन दोनों में से वो केवल एक ही कंडीशन को फॉलो करेगा, तो उस कंडीशन में भी डेडलॉक क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन ये होती है होल्ड एंड वेट की कंडीशन को रिसोल्व करने के लिए नो होल्ड वेट, नो होल्ड एंड वेट की कंडीशन फॉलो करनी है। नो होल्ड वेट का मीनिंग है अगर प्रोसेस ने रिसोर्सेस होल्ड किया है तो वो वेट नहीं करेगा, अगर वो वेट कर रहा है तो वो होल्ड नहीं करेगा किसी भी प्रोसेस को। तो उस कंडीशन में भी आपका, देखो अगर इसने होल्ड किया तो रिक्वेस्ट को इसने
वेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आपका पी वन एक्सिक्यूट, पी टू कंप्लीट एक्सिक्यूट हो सकता है, तो वो कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, रिजोल्व हो सकती है होल्ड एंड वेट की कंडीशन। लास्ट आता है आपका सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में वो बोलता है कि जो भी आपके प्रोसेस हैं, कोई भी हाई प्रायोरिटी का, हाई लेवल का प्रोसेस लो प्रायोरिटी के, सॉरी लो लेवल के प्रोसेस का वेट नहीं करेगा। लो लेवल का मतलब देखिए, यहां पर अगर मैं ये कंडीशन बनाता हूं आर वन, देखो पी वन को एलोकेटेड है, आर टू आपका पी टू को एलोकेटेड है, ये इसे एलोकेटेड है, ये इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इसको एलोकेटेड है, देन ये वेट कर रहे हैं आर थ्री का जो किससे एलोकेटेड है, पी फोर को एलोकेट। अगर आप इसके बाद अगर आप वेट कराएं तो सर्कुलर वेट में ये इसका वेट करता है, तो यहां पर ये बोलता है कोई भी अगर हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा तो वो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस का वेट नहीं करेगा। मीन्स पी फोर आर वन पी वन का वेट नहीं करेगा कि ये इसे रिलीज करेगा तो मैं यूज करूं, तो उस कंडीशन में आपका जो सर्कुलर की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। मीन्स एक हाई लेवल का प्रोसेस जो है लो लेवल के प्रोसेस का वेट नहीं करेगा। तो सिंपल, अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में प्रिंटर है, आपने प्रिंटर है, स्कैनर है और आपका स्पीकर है, आपने नंबरिंग कर दी, ये वन कर दिया इसका नंबर, इसको टू प्रायोरिटी लेवल दे दिया, इसको थ्री लेवल दे दिया, तो इस कंडीशन में ये बोलता है कि प्रिंटर जो है स्कैनर और हाई लेवल को तो वेट कर सकता है, इन दोनों का तो वेट करेगा, बट स्कैनर जो है अपने लो लेवल पे वेट नहीं करेगा। मीन्स स्कैनर जो है वो प्रिंटर का वेट नहीं करेगा, एंड स्पीकर आपका स्कैनर और प्रिंटर का वेट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर आपके सर्किल बनने के चांसेस जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो सर्कुलर वेट की कंडीशन आपकी यहां पर रिजोल्व हो जाएगी। सिंपल ये है कि कोई हाई लेवल का प्रोसेस है वो लो लेवल के प्रोसेस का वेट नहीं करेगा। अगर आप सर्कुलर वेट में करते हैं तो पी फोर डायरेक्टली किसका वेट करता है, देखो ये इसको जाता है और ये किसका वेट कर रहा है, पी वन का, कि पी वन इसको रिलीज करेगा तो मैं यूज करूंगा। तो यहां पर ये बोलता है सर्कुलर वेट में कि जो हाई लेवल का कोई प्रोसेस है वो लो लेवल के प्रोसेस का वेट नहीं करेगा, जिसमें हमने पी वन पी टू पी थ्री को लेवल दिया हुआ है कि पी वन जो है लो लेवल है, पी टू उससे हाई है, पी फोर उससे हाई है, पी थ्री उससे हाई है, तो वो कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। तो इस टाइप से आप इसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड है आपके प्रिवेंटेड। थैंक यू फ्रेंड।